जो गलती करे वही इंसान है, राइट। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी ही कुछ गलतियाँ जो हम करते हैं जब फ़िश कीपिंग की बारी आती है, जब फ़िश टैंक्स रखने की बारी आती है, या जब आप एक हॉबी ये स्टार्ट करते हैं, या स्टार्ट करने के बाद भी हम आपकी जो फ़िश कीपिंग की जर्नी है, हॉबी की जर्नी है, उसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो आप करते हैं, जिसकी वजह से आपके फ़िश मरते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेट होकर इस हॉबी को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए और इसमें से कोई भी गलती अगर आप कर रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए एंड देखिए कि क्या ये छोटा सा चेंज आपके एक्वेरियम के लिए कुछ डिफरेंस लेकर आ रहा है, आपकी फ़िश के लिए कुछ डिफरेंस लेकर आ रहा है। अगर लेकर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उस प्रैक्टिस को आप स्टॉप कर दीजिए एंड नए से जो है इस जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो जब आप ये फ़िश कीपिंग की हॉबी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप किस चीज़ के लिए जाते हैं, एक फ़िश टैंक के लिए, राइट, एक अच्छा फ़िश टैंक के लिए। सॉरी आज फेसबुक हमारे साथ है, मैं आपको दिखा दूँ फेसबुक को, कम है फेसबुक एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू जॉइन द वीडियो, तो बीच बीच में शायद आपको फेसबुक की भी क्या टेल दिखती रहेगी, बट दैट्स ओके आई गेस। जी तो वापस हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ आप जो इस हॉबी को स्टार्ट करते हैं तब देखते हैं, दैट इज़ अ गुड फिश टैंक। तो फिश टैंक के लिए जो ग्लास आप यूज़ करते हैं वो ग्लास आपने अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना है। नाउ देर आर यूजुअली सेगमेंट्स ऑफ ग्लासेस, जैसे कि लोअर क्वालिटी का ग्लास आता है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ग्लास आता है, एक क्लियर ग्लास आता है, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास आता है, अल्ट्रा क्लियर ग्लास आता है। ऑल्सो शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन बहुत बार आपको सेकंड हैंड ग्लास भी दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसेज जो हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके बाद उनके जो विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, उनके जो कैबिन्स के जो ग्लासेस हैं, वो सारी ग्लास जो है वो बहुत ही चीप रेट में स्क्रैप में निकाली जाती है एंड काफ़ी सारे फिश कीपर्स काफ़ी सारे शॉपकीपर्स जो है वो इसी ग्लास का टैंक आपको बना के देते हैं। उसके ऊपर हो सकता है स्क्रैचेस हो, ना भी हो, नए भी दिख रही हो, लेकिन वो जो क्वालिटी है दैट क्वालिटी इज़ नॉट मेंट फॉर मेकिंग एन एक्वेरियम। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि जो ग्लास क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, जब फिश टैंक आप बनाने देते हैं तो दो शॉप्स के रेट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि शायद एक आपको स्क्रेप ग्लास यूज़ कर रहा हो और आपके टैंक बनाने के लिए, और दूसरा जो है वो आपका टैंक बनाने के लिए क्लियर ग्लास यूज़ कर रहा हो, अच्छा ग्लास यूज़ कर रहा हो, सेंट गोबिन का ग्लास यूज़ कर रहा हो, उसमें अच्छा आपको CNC दे रहा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब आप फ़िश टैंक बनवा रहे हैं, नया बनवा रहे हैं, तो अच्छा ग्लास होना चाहिए, चीप पे मत जाइएगा, अच्छा ग्लास होना चाहिए, तभी आपका जो टैंक के अंदर जो भी आप डेकोरेशन करेंगे उसका जो लुक है वो लुक आएगा। ऑल्सो जो स्पेंड कर सकते हैं तो वो मैं सजेस्ट करूँगी आपको एक्स्ट्रा क्लियर के लिए जा सकते हैं, अल्ट्रा क्लियर के लिए जा सकते हैं, और शॉपकीपर्स को भी मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि कुछ पैसों के लिए प्लीज़ घटिया क्वालिटी का ग्लास यूज़ मत कीजिए, जिसमें ग्रीन टिंज हो, यू नो स्क्रेप का ग्लास है, ये सब यूज़ मत कीजिए बिकॉज दैट विल नॉट मेक सेंस इन अ लॉन्गर रन। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट, ये पॉइंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हूँ, मतलब मेरा मन बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट में मैंने देखा है मैक्सिमम लोग ऑप्ट फॉर कलर्ड, आर्टिफिशियली कलर्ड स्टोन्स के लिए जाते हैं, आर्टिफिशियली कलर्ड सैंड के लिए जाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियली कलर्ड स्टोन्स या सैंड उनके फिश टैंक में बहुत ज़्यादा कलर देंगे, कलर लाएंगे, बहुत ज़्यादा कलरफुल होंगे। लेकिन सिलेक्शन आपका सिर्फ कलर्ड या नेचुरल सैंड में या ग्रेवल्स में नहीं होना चाहिए, आपका सिलेक्शन इस हिसाब से भी होना चाहिए कि कौन से फ़िश आप रखना चाह रहे हैं। हर फिश सैंड में या हर फिश स्टोन्स में या ग्रेवल्स में या चिप्स में कंफर्टेबल नहीं होते, सो यू नीड टू हैव अ होमवर्क अबाउट कि आप कौन सा फ़िश रखने वाले हैं और उस हिसाब से जो है आप अपना ग्रेवल्स प्लान कीजिए।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग डिस्कस एंजल्स इस तरह के कि जो बॉटम फीडर्स है वो रखना चाह रहे हैं, राइट। जब आप बॉटम फीडर्स रखना चाह रहे हैं और अगर उसमें आपने स्टोन्स रखे, तो जो भी बॉटम फीडर्स के लिए जो भी सिंकिंग पैलेट्स होते हैं वो जाकर इन स्टोन्स की गैप्स में बैठ जाते हैं एंड फिश उन खा नहीं सकते, तो उसके वजह से बहुत बार मैक्सिमम फूड वेस्ट हो जाता है। और सेम चीज़ अगर आप सैंड रखते हैं तो एक सैंड का बेड बन जाता है, राइट। तो जब ये बेड बन जाता है इसके ऊपर जो है फूड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से फिश जो है वो बाद में भी फूड खा सकते हैं, तो वो बेसिकली कैविटी में नहीं जाते। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं, स्टोन्स और सैंड भी आप जब यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं फिश टैंक के लिए, तो ये ध्यान में रखिए कि कौन से टाइप के फिश आप रखना चाह रहे हैं और वो फिश किस टाइप के ग्रेवल में, किस टाइप के चिप्स में या सैंड में कंफर्टेबली सेटल होंगे। गलती नंबर 3, मैक्सिमम लोग डिले करते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स लेने में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये शायद आपने भी किया होगा, जैसे कि आपने अभी फ़िश टैंक ले लिया और लाइट ले लिया, लेकिन आपने सोचा कि नहीं फ़िल्टर मैं बाद में लूँगा या एयर पंप मैं बाद में लूँगा। ये जब चीज़ें आप करते हैं तो उसके वजह से वाटर केमिस्ट्री, वाटर पैरामीटर जिस तरह से एडजस्ट होने चाहिए उस तरह से वो एडजस्ट होते नहीं हैं एंड डेफिनेटली फ़िश टैंक सेटल नहीं होते, काफ़ी बार फिल्ट्रेशन नहीं होता तो फ़िश मरते हैं, बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकती हैं। सो डिले मत कीजिए, आप पहले सोच समझ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि फ़िश टैंक आपने रखना है तो बहुत ज़्यादा जल्दी है और बिल्कुल इम्पल्सिव डिसीजन है, ऐसा मत कीजिए। सोच समझ के फ़िश टैंक लीजिए एंड जब आप फ़िश टैंक लेंगे तो सिर्फ फ़िश टैंक, लाइट और आपको कवर और ग्रेवल्स नहीं लेना है, फिल्ट्रेशन भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रेवल्स आप, जैसे कि मैंने इसके पहले के पॉइंट में बताया, कौन से ग्रेवल्स आप ले रहे हैं, कौन से फ़िश आप रखना चाह रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में एयर पंप की ज़रूरत है क्या, फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत है क्या, अगर फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत है तो क्या वो कैपेसिटी के हिसाब से है या सिर्फ रखना है इसलिए हम रख रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सोच समझ के लेनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, प्लान करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि मानिए आप एक प्लांटेड टैंक के लिए जा रहे हैं और आपका सपना है या आपने सोचा है कि हम कारपेट रखेंगे, तो क्या कारपेट के लिए आप ये जानते हैं कि CO2 सिलेंडर कितना इंपॉर्टेंट है या प्रेशराइज्ड CO2 कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप जानते हैं कि प्रेशराइज्ड CO2 जब आप लेंगे तो उसका अमाउंट क्या होता है, उसका एक्सपेंस कितना होगा, मंथली रिफिलिंग का एक्सपेंस कितना होगा, फर्टिलाइज़र क्या 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 लगेंगे आपको? तो ये सब चीज़ का आपको होमवर्क करना है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं जब एक्वेरियम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये शुरू होता है कि छोटे से रखेंगे, एक बाउल रखेंगे उसमें एक फ़िश रखेंगे, अगर ये फ़िश संभल गई, ये फ़िश रह गई तो डेफिनेटली हम बड़े टैंक के लिए जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं, बाउल में अगर आप फ़िश रखते हैं उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम है, अंटिल एंड अनलेस इट्स अ बीटा या आपने बहुत ज़्यादा केयर लिया हुआ है बाउल में। बट मेरे हिसाब से, मेरा सजेशन अगर आप पूछेंगे तो बाउल के लिए आप चाहे गोल्ड फिश रख लीजिए या बाकी कोई भी फ़िश रखिए, दोज़ आर नॉट एट ऑल कम्फर्टेबल इन अ बोल। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड, डेफिनेटली सजेस्ट कि आपने अगर बाउल रखा है और आपकी फ़िश मर रही है, एक छोटा सा 1x1x1 का क्यूब के लिए क्यों ना हो जाइए, लेकिन एक फ़िश टैंक रखिए, बिकॉज आपका बाउल जो है ये पर्पज़ आपका सॉल्व नहीं करने वाला।